वेलकम दोस्तों, ऐसे में तो कोच ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की दो नई भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों अभी हाल ही के अंदर दोस्तों राजस्थान में दो नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आवेदन 19 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों दो नई भर्तियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर संपूर्ण बातें करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान के मूल्यांकन विभाग में, रिसर्च असिस्टेंट और कृषि विभाग में ऑफिसर के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2024 है। जो अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए योग्य है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है आयु सीमा RPSC नई भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार के नियम अनुसार आरक्षित वर्गों के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है। योग्यता की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान की नई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। संबंधित पद के लिए सचनी योग्यता अलग अलग रखी गई है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता एक बार चेक कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? राजस्थान भर्ती 2024 के लिए वन टाइम आवेदन शुल्क रखा गया है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर 600 रुपये रखे गए हैं। अन्य वर्गों के लिए यहाँ पर 400 रुपये रखे गए हैं। चयन प्रक्रिया, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इन भर्तियों के लिए चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होएगा। लिखित परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल के बाद नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से चयन प्रक्रिया रहेगी। इसी के अंदर दोस्तों बताया गया है ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। RPSC की इन दो भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपको संबंधित भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु भर्ती के सामने दिए गए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने भर्ती का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरनी है। इसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अंत में फ़ोटो साइन अपलोड कर फीस का भुगतान करना है। फीस का भुगतान होने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है चेक करने के बाद, और इसका एक प्रिंट आउट आपके पास रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप राजस्थान की दो नई भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा दूंगा, और दोस्तों अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पर मैं लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, इससे आने वाली वीडियो की नई अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों हमारे चैनल के सदस्य बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।